नमस्ते बच्चों, आज जो हम हैं कविता जो है मन करता है वो आज हम करेंगे। तो आज सबसे पहले गायन करते हैं कि इसको कैसे कैसे इसको कर सकते हैं, और फिर उसके बाद जो है आगे के प्रश्न उत्तर इसके जो है जो डिस्कस करेंगे। तो उसका चलो गायन करते हैं। मन करता है सूरज बन कर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है चंदा बन कर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं, मन करता है बाबा बन कर घर में सब पर धौंस जमाऊं, मन करता है पापा बन कर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, मन करता है तितली बन कर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बन कर मीठे मीठे बोल सुनाऊं, मन करता है चिड़िया बन कर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये हमारी कविता है जिसे सुरेंद्र विक्रम जी ने लिखा हुआ है। तो उसके जो कवि हैं वो कौन है? सुरेंद्र विक्रम। ठीक है, तो ये आपकी कविता है। जैसे आपके जब आप आपके मन में अलग अलग हाव जो विचार जो आते हैं, ठीक है, कभी आपका मन पक्षी बनने को करता है, कभी आपका जो मन है वो जहाज बनकर आसमान में उड़ने को करता है, कभी आपको लगता है कि मैं नहीं बादल बन जाऊं तो मैं ऊपर से देखूंगा कि अच्छा ऐसा से दिखता है ना। जैसे अब आप घर में देखते हो कि घर में दादा का क्या रोल है, पापा का क्या रोल है, पापा कैसे घर में क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग जो चीजें देखते हो तो आपको भी मन करता होगा कि काश मैं ऐसा बन पाता और फिर मैं सारी चीजों को देख पाता, फिर वापस मैं जैसा हूं वैसा ही बन जाता तो कितना जिंदगी में मजा आता है ना। तो इस कविता में ये बताया गया है कि सबसे पहले जो बच्चा है उसका जो मन करता है वो क्या करता है कि सूरज बन जाऊं और फिर पूरे आसमान में दौड़ लगाऊं, कभी यहां भागूं कभी वहां भागूं। अब घर में क्या होता है, घर में आजकल आप घर के अंदर बंद हो तो आपको तो भागना नहीं मिलता है, एक कमरा होता है उसके अंदर भी आप यदि दौड़ लगाते हो तो डांट पड़ती है, अब नहीं बच्चों सामान टूट जाएगा आराम से बैठो, है ना। बोले अब मन करता है कि मैं जब चंदा बन जाऊं तो तारों पर मैं अकड़ दिखाऊंगा, ठीक है। वो तारों पे अकड़ क्यों दिखाएगा? क्योंकि वो सबसे ज्यादा बड़ा हमें चंदा दिखता है और चमकीला भी दिखता है, ठीक है। तो जो चंदा होता है तो वो तारों पे अकड़ दिखाएगा। अब घर में क्या होता है उसका? बोले मन करता है बाबा बनकर घर पे सब पे ऊपर ऊपर जो है धौंस जमाऊं। धौंस जमाना होता है हुक्म चलाना अपना, ठीक है। और फिर अगले ही पल क्या मन करता है कि पापा की तरह मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं, ठीक है। और फिर अगले पल सोचता है कि नहीं क्या करूंगा, फिर तितली बनकर कहीं दूर दूर तक उड़ता जाऊं। जैसे तितली जाती है एक जगह से दूसरी जगह, फिर इसका जो मन करता है वो क्या करता है कि कोयल बनकर मीठे मीठे जो बोल सुनाऊं, कि मैं कोयल बन जाऊं और सबको मीठी मीठी जो है अपनी जो भाषा है या अपना जो गाना है वो सुनाऊं। अब क्या है, चिड़ियों को देखकर बच्चे का जो है आपका मन करता होगा कि मैं ची ची चू चू खूब शोर मचाऊं। अब आप घर के अंदर रह रहे हैं तो क्या हो रहा है, जब आप शोर करते हैं तो क्या बोलते होंगे मम्मी पापा? बेटा शोर मत करो, है ना। तो यहां पे क्या है कि अब ये बच्चे की अभिलाषा है, इच्छा है कि मैं चिड़िया बन जाऊं और बाहर पेड़ों पे जाऊं और फिर वहां पे ची ची चू चू खूब शोर मचाऊं, ठीक है। फिर अगला ही पल मन करता है कि चरखी लेकर मीन्स धागा और जो पतंग लेकर उसको मैं लाल पीले पीले और लाल रंग की पतंग को उड़ाऊं, ठीक है। तो अब इसके बाद अब आपके लिए काम है, आपने इसका 2-3 बार गायन करना है, इसके बाद आपने इसके जो ये पूरी कविता आपने नोटबुक में लिख लेनी है, ठीक है। और यदि हो सके तो तितली पक्षी का चित्र साइड में बना सकते हो तो बना लेना, जो 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 बोला गया हुआ है वो यदि आप कर जो चित्र बना सकते हो वो अपने चित्र साइड में बना लेनी है। अब ये प्रश्न उत्तर है, ये हम अगली वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये जो है तब तक मैं आपको ये देता हूं,
आपने इन प्रश्नों के बारे में पढ़ लेना है, फिर मैं जब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, क्यों, घर में कौन कौन जमाता है, सोच लेना कि तुम आपके ऊपर कौन कौन धौंस जमाता है और स्कूल में कौन कौन जमाता है, ठीक है। मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है, ठीक है। कौन किस पर अकड़ जमाता होगा, आसमान में कौन अकड़ जमाता होगा, तो ये अपना सोचना है। खेल में कौन जमाता है, स्कूल में कौन जमाता है, जंगल में कौन जमाता होगा, हाँ मेरा राजा यहाँ पर, मैं यहाँ का राजा हूँ, नदी में कौन करता होगा, ठीक है। रंगों में कौन सा आपको लगता है कि अकड़ जो अपनी जमाता होगा, तो ये है, ये आपके लिए प्रश्न है। और साथ में एक प्रश्न ये है, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी, यहां तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है, कुछ मूछें तुम भी बनाओ और सभी मूछों को अपने मन का नाम दो। अब आपने क्या करना है, ये प्रश्न आपने बुक में कर लेना है। आपने और दो या तीन तरह की मूछ का बनानी है यहां पर, और उसको अपनी मर्जी का नाम दे देना, कोई भी नाम जो आपका दिल कर रहा है, कि ये जो है चिड़िया मूछ है ना, अरे यार ये खुल गया, ये इस तरह की मूछ है, ये किस तरह की मूछ है, आपको जो दिल करता है वो आप उस मूछ का जो है नाम दोगे। बाकी जो प्रश्न बच गए हैं और जो मैंने ऊपर बताए हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक धन्यवाद बच्चों।